अरे वाह, आज का दिन बहुत अच्छा है। डब्लू, जो चीजें तुम इस्तेमाल नहीं करते हो वो सब साफ करो। वही कर रहा हूँ। मैं इसे क्यों रखूंगा, ये तो कुछ काम का नहीं है। ये मेरी पुरानी गुलाल है, इसे मैं रखूंगा। ये क्या चीज है, पुरानी दिखती है और बेकार भी है। ये काम कैसे करता है, कुछ काम का नहीं है। लगभग हो गया। मैंने इस चटाई को नया जैसा बना दिया है, साफ सफाई के लिए सही दिन है। ओ, डब्लू, मैंने तुम्हें साफ करने के लिए कहा था, घर गंदा करने के लिए नहीं। अरे ये तो मेरा है। काम खत्म हो गया, कितना साफ सुथरा हो गया। भाई जब देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। भाई देखो मैंने क्या किया है, देखो उधर। ये मुझे समझाना चाहोगे, बोलो क्या। ये मुझे बहुत पुराना लगा, इसने फेंक दिया। इसने फेंक दिया? ये बांस का बना हुआ पतंग मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना था, समझे तुम। भाई मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दो। भूल जाओ। भाई 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 मुझे गुस्सा मत करो, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। भाई भाई ये तक बस पुराना सा बांस से बना हुआ पतंग था। भूल जाओ। तुम बच्चों की जैसे हरकत क्यों कर रहे हो भाई, बोलो। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया भाई, तुम तो बिल्कुल बच्चे बन गए हो। बच्चों जैसे? या बच्चा सिर्फ तुम हो, तुम्हारा मन जो चाहे वो करते हो, तुम जो चाहे वो करते हो। हाँ समझे तुम। और तुम क्या, तुम दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचते क्या? तुम मेरे लिए एक बात तो चीज नहीं रख सकते, बच्चा कहीं का। मैं बच्चा नहीं हूं। नहीं हो तुम, तो फिर वो क्या है। तुमने कभी भी तुम्हारे बचपन के खिलौने को ऐसे बाहर नहीं फेंका, लेकिन जैसे ही तुम्हें मेरे पास का बना हुआ पतंग दिखा तुमने वो फेंक दिया। किससे पूछ के फेंका तुमने वो, बोलो क्यों? मुझसे पूछा तक नहीं, कितने स्वार्थी हो तुम। तुम ऐसे ही बच्चे रहोगे, समझे। तुम इस बारे में क्या कहना चाहता हो चिंटू? भाई ने तो इस बार हाथ पार कर दिया है ना, मेरा मतलब मुझे कैसे पता होगा वो उसका है। मैं पिसल कर गिर गया। भाई ने तय कर टकना है उसे, तो मजो कंटे किलोने की पिक रहा है। मेरी बात तो अच्छा वाला किलोना भी नहीं है, उसे वो आखिर पसंद क्यों है। बबलू मेरी बात तो सुनो, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा कि बबलू तुम पर गुस्सा है, लेकिन क्या तुमने एक बार भी सोचा है कि वो खिलौना बबलू के लिए क्या है। क्योंकि तुम्हें वो नापसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि बबलू के लिए वो जरूरी नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये बांस से बना हुआ पतंग मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना था। डब्लू जरा सोचो कि किसी ने ऐसा कुछ तोड़ दिया जो तुम्हें अच्छा लगता है और माफ़ी भी नहीं मांगे और देखा तक नहीं, तुम्हें बुरा लगेगा, है ना? सही कह रहा हूँ तुम चिंटू, मुझे उसे दुखी नहीं करना चाहिए था। तो बबलू मैं बहुत दुखी हूँ, सच कहता हूँ। तो क्या करोगे? तो मैं जाऊँगा और भाई से माफ़ी मांगूंगा। नहीं, मेरा पास का बड़ा पतंग कभी ठीक नहीं हो पाएगा। क्या करो, मुझे भाई के लिए नया लाके देना पड़ेगा। वही घिसे पिटे पुराने पेड़, आज दिन अलग है। डब्लू वो अकेला क्यों है, अजीब बात है। अकेला डब्लू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चलो अब कुछ मजा लूटता हूँ। लगता तुम तो कमाल के हो। कौन बन सकता है? मैं बस कुछ पेड़ काट रहा हूँ। देखो पेड़ नीचे गिर रहा है। तुम कर क्या रहे हो? आई
बांस का पतंग बना रहे हो? ये गंदी चीज कोई कैसे बना सकता है? मुझे बता ऐसे कैसे बनाते हैं? सच में? तुम यहाँ पे कितने देर से खड़ा हो लक्का? बस थोड़ी देर पहले ही आया। अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ ये कैसे बनाते हैं। क्यों? मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। रुक जाओ, सिर्फ अगर तुम। मैं क्या करूँ? तुम जो कहोगे करूँगा, बोलो। मेरे पास घर की सफाई करने का वक्त नहीं है। मैं तुम्हें घर साफ करने में मदद करूँगा। फिर सौदा पक्का। ठीक है, अब मेरे साथ आओ। डब्लू, डब्लू, कहाँ हो तुम? इस बार वो बहुत गुस्से में है। डब्लू, डब्लू, अरे, डब्लू, तुम घर की सारी सफाई कर देना। और जहां तक पतंग की बात है, मैं उसे बना दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। बस थोड़ा इधर, थोड़ा उधर खींचो, थोड़ा सा यह कर लो और साफ 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 हो गया। डब्लू सिर्फ खिलौने के लिए इतना सारा काम कर रहा है। इससे मेरा काम हो जाएगा। इसमें तो मुझे दरअसल काफी मजा आया। देखो, मुझे घर के काम में हमेशा भाई का हाथ बटाना चाहिए था। डब्लू, अरे डब्लू, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा करेगा तो मैं इसमें कभी भी नहीं चिल्लाता। डब्लू, क्या लखा अगर यही आखिरी जगह बची है? अरे नहीं, लखा एक बम्बू का पतंग बना रहा है। अगर वो चीजों को काटने के बदले ऐसे बनाने में अपना हुनर का इस्तेमाल करता। लगता है डब्लू यहाँ नहीं है। ए लक्का, ए लक्का, मैंने तुम्हारा घर पूरा साफ कर दिया है, देख लो। बहुत बढ़िया डब्लू, उसे अपने घर की सफाई की परवाह नहीं है, लेकिन यहाँ आकर लक्का घर साफ कर सकता है। मैं अब खिड़की साफ कर देता हूँ। तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम इस लकड़हारे का घर साफ करते हो, लेकिन तुम्हारा खुद का घर साफ नहीं कर सकते। वो मुझे कुछ याद आ गया कि मुझे कुछ काम करना है। जाना पड़ेगा मुझे। बाय बाय बाय। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कितना परेशान था मैं। मैंने तुम्हें पूरा दिन ढूंढा और तुम मिले भी तो लकड़ा घर साफ करते हुए। मैं बहुत निराश हुआ, अब क्या करूँ मैं? भाई भाई रुक जाओ, भाई भाई वापस आओ, भाई 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 इतना गुस्सा भी बैठ करो। मैंने लक्का के साथ एक सौदा किया, अगर उसका घर साफ कर दूंगा तो मुझे बांस की पतंग बना कर देगा। ये देखो कैसी लगी तुम्हें। तुमने ऐसा किया? देखो। डब्लू, तुम्हें पता है ये छोटा सा खिलौना मेरे लिए खास क्यों है? दरअसल मुझे नहीं पता भाई। क्योंकि ये हमें हमारा बचपन याद दिलाता है। ऊपर उड़ रहा है। मेरा बांस का पतंग हमेशा के लिए अटक गया, क्या करूं? डब्लू चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारे लिए नीचे लाऊंगा। भाई जरा संभाल कर चला। चिंता मत करो। ये देखो मिल गया। भाई इसे उड़ा दो भाई अभी। ये लो। भाई भाई उड़ा दो उसे अभी। ये लो। वाह, ये कितना ऊपर उड़ रहा है। उसके पीछे चलो भाई, चलो। इतनी ज्यादा सर्दी है, रजाई मेरी रजाई कहाँ है? मेरी रजाई को क्या हो गया? और मेरा तकिया भी नहीं मिल रहा, और मेरे मोजे, और मेरा पजामा। जरूर वो भालू सब ले गया होगा। डब्लू, मेरा सामान लेकर वापस आ।
मुझे अकेला छोड़ दो। इतनी खुजली आ रही है, ये हो क्या रहा है? ये तो काटने का निशान काफी बड़ा है, मच्छर का नहीं हो सकता ये। अरे ये एक पिस्सू है, भागो यहाँ से। अरे तेरे के, मेरे घर में इतने सारे पिस्सू कहाँ से आ गए? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरे हाथ काफी छोटे हैं। वही खुजली आ रही थी। अरे देखो कौन आया। लखा के बच्चे, क्या कर रहे हो तुम? लगता है हमारी नकल उतार रहा है, पेड़ पर खुद को खुजला रहा है। लखा भी शायद भालू बन गया है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तो बस मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ तुम यहाँ से। अरे हाँ, समझ गए लखा, तुम जितना समझते हो हमें उससे ज्यादा समानताएं हैं। ए लखा, चल मोहम्मद, तुम्हें तो ये अच्छा लग रहा है, क्यों मजा आया ना? तुम दोनों चुप रहोगे कि नहीं? अरे बहुत खुजली आ रही है। आई हो यहाँ, पेट से पीठ खुजाने से ये तो अच्छा तरीका है ना लखा? अच्छा तो लग रहा है। अरे भागो यहाँ से। लखा के बच्चे, तुम तो जरूर। अरे अरे मर गए। चिंटू चिंटू जल्दी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। कितनी खुशी हो रही है मुझे। भाग क्यों उड़ा रहे हो मेरा? ये तो बहुत गंभीर समस्या है। डब्लू हमसे दूर रहो। मैं पिस्सू के चुगल में है, तुम्हें हमसे दूर रहना होगा, समझ गया तुम डब्लू? ये सच कह रहा है, दूर रहो हमसे। अरे मुझे पता था कि तुम लोग यही पे मिलोगे। तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? मैं भी खेलूंगा। तुम लोगों का क्या हो गया है? अरे तो यह है पिस्सू की कान है, मैं इसका हल निकाल सकता हूँ। कैसे करोगे? हाँ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग आउट करूंगा। इन पिस्सियों को फैलने से रोकने के लिए मुझे लगता है तुम तीनों को अलग अलग रखना पड़ेगा। लेकिन छोटे, हम जिंदा कैसे रहेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। मैं पेड़ कैसे काटूंगा? मजाक कर रहा था मैं तो। तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, अब सब कुछ तैयार है। डब्लू, क्या तुम हमें बताने का कष्ट करोगे कौन सी चीज क्या है? तुम हमें एक परिधि के अंदर बंदी नहीं कर सकते डब्लू। कर सकता हूँ, यह वृत्त उन पुस्तियों को फैलने से रोकेगा और इसका मतलब पूरा का पूरा जंगल सुरक्षित रहेगा। डब्लू, इससे हमें थोड़ी पिस्सुओं से छुटकारा मिलेगा, समझ गया छोटे? डब्लू, हमें इस चीज के अंदर कितनी देर तक रहना होगा? सोचते ना मुझे, जब तक यह पिस्सुओं चला ना जाए। याद आया, मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे इससे छुटकारा मिल सकता है, वो मेरे बाथरूम में पड़ा हुआ है। आखिरी बार जब तुमने बुलाया था तब मैंने वैसा कुछ देखा था। एक सेकंड रुक जाओ, तुम तो तुम्हें अभी वो कब देना जो तुमने तोड़ा था। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, है ना डब्लू? कहाँ चला गया डब्लू? डब्लू डब्लू कहाँ गया? भाई मुझे मिल गया, ये देखो। भाई मैं लखा के बाथरूम में गया और मुझे एक अच्छा सामान मिला। मुझे तो यह भी मिला, और यह मैं तुम लोगों में छिड़कूंगा तो फिर से पिस्सू यहाँ से चला जाएगा। कमाल हो गया। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो?
और ये गंदा है। इसे और थोड़ा असरदार बनाने के लिए मैंने इसमें नमक और मिर्च मिलाया है। पिस्सू ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरे मुझे चक्कर आ रहा है, इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। पप्लू, आगे खोलो पप्लू। अरे डब्लू, तुम कितने चालाक हो। कुछ नहीं, कहीं नहीं, ये दवाई काम नहीं नहीं कर रही है। पिछले का तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पीठ अभी भी खुजा रही है। अरे बाबलू, पेड़ को किसने बंद करा? ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? ये लखा, क्या तुम ठीक हो? डब्लू से दूर रहो तुम। मैं तुम लोगों को बाद में मिलता हूँ। वो तो भाग रहा है। बबलू, क्या हम भी भाग सकते हैं? नहीं तो इस बदबू से हम बेहोश हो जाएंगे। ठीक है चिंटू, हमें औरों से दूर रहना पड़ेगा। हम किसी और दूसरे को संक्रमित नहीं कर सकते। वो क्या है भाई? चिंटू, लगता है वापस आओ। कहाँ चला गए वो? अरे ये कहाँ चला गए लोग? ये तो भाई के पैरों का निशाना है। लखा, क्या ये जगह ठीक है? चिंता मत करो, ये जगह कोई नहीं जाता। ये खुजली शुरू हो गई। जब भी मैं पेड़ काटने आता हूँ तो ये खुजली। और मेरा मतलब डब्लू हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। बंद करो, पिछू को खत्म करना मेरा कर्तव्य है। रुक जाओ। बाहर निकलो, मुझे बताए तुम लोग अंदर आओ। दरवाजा खोलो, बाहर आओ, बाहर आओ। वो अंदर नहीं आ सकता। ये कौन ले रहा है? उन्होंने तय कर लिया है। मैं अंदर कैसे जाऊंगा? सोचते ना बुझाए। अरे हाँ हाँ, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? कुछ हो रही है? बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे भागो मत, दौड़ना बंद करो। मुझे उन पिछियों का तुमसे दूर भगाना है। रुक जाओ। अरे यार, वो हार क्यों नहीं मानता? रुको, संभल कर। अरे सच में बदबू आ रहा है। छोटे, देखो तुमने क्या हाल बना दिया हमारा। डब्लू, डब्लू सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हाल हुआ हमारा। कुछ भी नहीं किया। मैं तो उन पिछियों को तुमसे छुटकारा दिला रहा था। अरे हाँ, अरे हाँ, और खुजली भी गायब हो गई। सही कहा तुमने। रुको, मार हो गया। मुझे लगता है कि वो कीचड़ की वजह से हमारी खुजली दूर हो गई है। ये लखा, तुम्हें ये जगह साफ करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर से पिस्सू आ जाएंगे। समझ गए तुम? ए लखा, जब क्या हमने तुम्हें जगह साफ करने में थोड़ा मदद किया तो क्या तुम हमें कुछ अच्छा खिलाओगे? बोलो। हाँ जरूर। खुद ही ले लो। सच में? अरे दोस्तों, ऐसे झपटो मत, मुझे भी तो खाना पड़ेगा। क्या कर रहे हो?